हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सब लोग सुने और समझे, दोबारा जो है गलती ना करें और उसी को दोहराए ना और अच्छे से काम करें। हमको गौर कामयाबी आप लोग दिए हैं, हमको 100 में से 5% का कामयाबी मिल चुका है, आप लोग दिए हैं। कृपया करके मानो सब है, सब सुने और न्याय करें। हमको न्याय थोड़ा बहुत मिल रहा है, नीतीश कुमार कभी कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है, हम लोग को तो मारा गया है। आप लोग कुछ भी है, आप ही का भाई है, आप ही का समाज है, मिल के आराम से प्रबंधक और प्रशासन बैठ के अच्छा से बात करके उस मसला को हल करे। और हम बहुत लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, आराम से काम करें। अरे ऐसा नहीं करते हैं, काम देख रहे हैं, अगर इस तरह से नहीं होता है तो रामलीला मैदान हम चले जाएंगे और दिल्ली जाके बैठ जाएंगे। फिर मीडिया आएगी, चारों तरफ परेशानी खड़ा होगा, सब लोग परेशान होंगे। ऐसा ना काम करें, आप सुने बैठ के समझे उस बात को। थोड़ा भी कामयाबी मिलने से आपको खुशी मिला है और हम ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। और बार बार आप लोगों को साउंड नहीं डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा देर बंद हो जाएगा, पूरा दिन बंद रहेगा, केवल सुबह आप लोगों को जानकारी देने के लिए, अलावा कोई साउंड नहीं चलाएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, केवल हम बैठे रहेंगे। लेकिन कामयाबी करिए, और जब तक आप लोग नहीं करेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा रो रही है, हमारा गाँव रो रहा है। और गाँव में 75% का 90% लोग नशे में हो गए हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं हो पा रहा क्या हो रहा है, क्योंकि एनी टाइम उन लोगों का ड्यूटी है खाली दारू पीना, गाजा पीना, पुरुष पीना, बच्चे बच्चे पी रहे हैं। इस गांव को इतना मत बिगाड़िए, कहीं ले जाकर बता दीजिए, आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप लोग समझदार लोग हैं, समझने वाले हैं, ऐसा हमारे गाँव के पीछे मत जाइए, हमारा गाँव सही हो जाए। आप लोगों का न्याय हमारे लिए सम्मान है, आप लोगों का पाँव पड़ते हैं, इसी तरह से हमारे गांव को बचाइए। आप लोग जानकार हैं, समझ सकते बात को, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। आप लोग जितना ज्यादा मिलिए इस गांव को बचा लीजिए, समझदार लोग हैं आप लोग, जैसे भी करके, लेकिन गांव को हमारे बादशाह गाँव दिलवाइए, जैसे कर पाएंगे। अब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इससे ज्यादा हम आपको लोग साउंड भी नहीं करेंगे कि डिस्टर्ब हो। इसी तरह से हमारे गांव को लिहाज बता दीजिए और सबको मुक्त कराइए, जितने संकट में हैं, जो भी परेशानी खड़े हैं उसको दूर कीजिए। ये आप लोगों का काम है, कर्तव्य है, प्रशासन भी साथ दे, विभाग भी साथ दे और विभाग प्रबंधक भी साथ दे। सही चीज को गौर से सुने और समझें, इससे ज्यादा हम नहीं करना चाह रहे हैं, न किसी को परेशान करना चाह रहे हैं। हमारा गांव पूरे नशे में चला गया है, उस गांव को हमारे उठा लीजिए, आप लोगों का कर्तव्य है, हमारे गांव को खींच दीजिए, पूरा बर्बाद हो चुका है, इतने नशे में चले गए हैं, उन लोगों का बीवी बच्चे खाने पीने मर रहे हैं, उन लोगों का जाकर देखिए दूसरों का किसी स्थिति में जी रहे हो। आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे, नहीं साथ देंगे तो आप लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि हम दिल्ली चले जाएंगे, बैठ जाएंगे रामलीला मैदान में, बैठ जाएंगे रामलीला मैदान में, ज्यादा जांच हो जाएगा, परेशान भी पड़ जाएंगे। इस चीज को गौर समझिए, आप लोग का भी बच्चे हैं, आप लोग भी समझिए बात को, जितना ज्यादा से ज्यादा मिल के आप लोग सहयोग करके सब लोगों को समझा के मीटिंग करा लीजिए, क्या क्या बात है, क्या क्या मुद्दा है, समझ लें, उस बात पे काम करें। हर काम के लिए आप लोग पाँव पड़ते हैं, यह काम करवा दीजिए, यदि नहीं करवाते तो आप लोग खुद परेशान होंगे, आप छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आपको जान का कोई परवाह नहीं है, आज नहीं तो कल आपको मरना ही है। हमको तो खाने पीना मरे तो जैसे मरे, लेकिन हमारा समाज जो मर रहा है उसको उठा दीजिए आप लोग, किसी तरह से हमारे गांव को एक जगह बसा दीजिए। यही मेरा कहना है, जितना बुद्धि चुनाव वाले जैन वाले निगाही वाले परेशानी करा कर करके इसको दूर करिए। आप लोग हमारी आदमी है, जानकार है, बुद्धिमान है, हमारे गांव में ऐसा नशा ना होने पाए उसको दूर करवाइए जैसे करके, लेकिन हमारे गांव को सीख दीजिए आप लोग। अगर नहीं सीखते हैं तो आप लोग कोई परेशानी खड़ा होगा, हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आपको जान का परवाह नहीं है। सब देश आगे जा सके, सब देश
अच्छे लोग बैठे बात करें उस चीज को, और जो मुद्दा बात है उस पर बात करें, ज्यादा लोग बैठ के कंप्लीट कर भी ना करें, आराम से जो बात है उस मुद्दे पे बात करके हमारे गांव को बचा लीजिए, यही कहेंगे। और इससे ज्यादा हम नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे गांव को बचाइए। पूरी तरह से चला गया है, एक भी इंसान नहीं रह गया है, जो पार्षद बने हुए हैं उनके आदमी उनके बच्चे जाकर देखे कि भारत में क्या कर रहे हैं, वो कितने नशे में है, एनी टाइम नशे में है, किसी से बात करने लायक नहीं है, रोड रहे हैं, गिर रहे हैं, इस तरह से हो गए हैं। किसी तरह हमारे गांव को समझाइए, बचाइए, गांव को बचाइए। पूरी तरह नशा चला गया है, उस गाँव को उठा दीजिए और कहीं बसा दीजिए, हमारे गाँव को उज्जवल कर दीजिए। अंदर की अधमा रो रही है, रो रो के हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लाइटिंग साफ करके हम जी सकते हैं, रोटी खा के जी सकते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे गांव को एक हाथ में ले लीजिए, बचा लीजिए। ये गांव हमारा टूट गया है, कहीं से रह गया है, कोई तरह से नशे चल रहे हैं, एक जान को समझिए। दर्शन करके मटका होती पुत्रवती, हमारा गांव कहीं नहीं जा गया है, बचा लीजिए। रात दिन रो रहे हैं हम, एक बैठ के इस तरह बचाइए गांव को, एक जगह पास आके फ्रिज दीजिए, पूरा व्यवस्था दे दीजिए, नहीं आप लोगों का कर्तव्य है। इससे ज्यादा हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, हमारे देश जीत जा रहा है, इतना गाँव को बचाइए। विश्वनाथ रत्ना कर रहे हैं, आप लोग देखो नहीं कर रहे, बंद कर दे रहे हैं,